गेमर्स, वेलकम बैक टू WWE 2K23। और आज हम कराने वाले हैं वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप, जो कि WWE के अंदर अभी न्यू लॉन्च हुई है, जिसके लिए सेथ रॉलिंस और एजी स्टाइल्स का मैच होने वाला है नाइट ऑफ चैंपियंस में। तो आज हम 8 वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन लेकर आया, जो भाई पुरानी वाली चैंपियनशिप थी जिसे मॉडिफाई करके WWE दोबारा लेकर आई है। तो उनमें से 8 चैंपियंस को हमने इस मैच के अंदर लिया और देखते हैं इनमें से बेस्ट चैंपियन कौन है। इसके लिए आज हम इनका मैच कराने वाले हैं और जो भी इस मैच को जीतेगा वो न्यू वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप को जीत जाएगा। तो इस मैच के अंदर भाई हमने लिया खली, रैंडी ऑर्टन, ट्रिपल एच, जॉन सीना, अंडरटेकर। तो चलो भाई फिलहाल मैच को लोड होने देते हैं। एच केन भाई, बहुत सारे अच्छे अच्छे सुपरस्टार्स इसमें, तो देखते हैं भाई कौन जीतता है। वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप भाई लेजेंड्स की चैंपियनशिप थी, तो इस मैच में भाई भर के लेजेंड्स हैं। और फिलहाल आ रहे हैं मिस्टर हसल और रिस्पेक्ट जॉन सीना, और जॉन सीना है भाई हमारे यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन, क्योंकि उन्होंने ऑस्टिन थ्योरी को डिफीट कर दिया था मैच के अंदर। चलो भाई सीना की एंट्रेंस को स्किप करते हैं, अब देखते हैं नेक्स्ट सुपरस्टार कौन आ रहे हैं। ओके, तो अब आ रहे हैं द डेड मैन अंडरटेकर, और भाई ये है नाइट ऑफ चैंपियंस का अरीना जो कि मैंने डाउनलोड करा, और देखते हैं क्या करते हैं आज ये नाइट ऑफ चैंपियंस के अंदर, क्योंकि वैसे तो सेथ रॉलिंस और एजी स्टाइल्स का मैच होने वाला है, पर ये इन लोगों का देखते हैं कि पुराने जो वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियंस थे उनमें से कौन सा चैंपियन सबसे ज्यादा बेस्ट है, कौन बनेगा न्यू वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप का पहला विनर। चलो भाई फिलहाल आ रहे हैं द डेड मैन अंडरटेकर, और अंडरटेकर की भी इंटरेस्ट को स्किप करते हैं, अब देखते हैं नेक्स्ट सुपरस्टार कौन आ रहे हैं। 8 मैन मैच है भाई, नॉकआउट ऑन है और एलिमिनेशन मैच है, और फिलहाल आ रहे हैं द गेम ट्रिपल एच। और ट्रिपल एच भाई मैंने पुराने वाले लिए हैं, क्योंकि उस टाइम पे भाई वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप ट्रिपल एच और बटिस्टा, इन दोनों बंदों के पास भाई सबसे ज्यादा वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप, मतलब लॉन्गेस्ट रनिंग रिकॉर्ड इन दोनों के पास में। बटिस्टा का भाई 282 डेज समथिंग है और ट्रिपल एच का 280, तो एक तरीके से आप कह सकते हो लॉन्गेस्ट रनिंग चैंपियंस में सेकंड नंबर पर तो आते ही है ट्रिपल एच। तो देखते हैं आज क्या वो फिर से वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप को जीत लेंगे। चलो भाई ट्रिपल एच की भी इंटरेस्ट को स्किप करते हैं, देखते हैं नेक्स्ट सुपरस्टार कौन आ रहे हैं। ओके भाई, तो अब आ रहे हैं बटिस्टा, और लॉन्गेस्ट रनिंग वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन है बटिस्टा 282 डेज के साथ में, उनसे पहले भाई ट्रिपल एच आते हैं, पर लॉन्गेस्ट रनिंग चैंपियन तो बटिस्टा ही है। और आपको पता ही होगा दोनों के दोनों सुपरस्टार्स एवोल्यूशन के हैं, तो भाई एवोल्यूशन ने वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप बहुत ज्यादा जीती है। चलो भाई बटिस्टा की थोड़ी एंट्रेंस देखते हैं, फिर स्किप करेंगे, और अभी भाई एवोल्यूशन के एक और बंदे आ रहे हैं जो कि हैं रैंडी ऑर्टन। तो भाई एवोल्यूशन में जितने भी बंदे थे शायद सबने वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप एक एक बार तो जीत रखी है। ओके भाई, तो लगातार लाइन से आई है भाई पूरी एवोल्यूशन। अब आ रहे हैं द वाइपर रैंडी ऑर्टन, और भाई रैंडी ऑर्टन WWE में रिटर्न नहीं कर रहे, तो क्या हुआ भाई, हम रैंडी ऑर्टन का पुराना वर्जन लेके आ चुके हैं, क्योंकि भाई यही वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन सबसे ज्यादा इसी वर्जन के अंदर है रैंडी ऑर्टन। चलो भाई रैंडी ऑर्टन की भी एंट्रेंस को स्किप करते हैं, और ये मैच भाई सारे वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियंस से भी ज्यादा लेजेंड्स का मैच आप कह सकते हो, क्योंकि इसमें भाई एक से बढ़कर एक लेजेंड्स हैं। और अब आ रहे हैं द रेड एरा सुपरस्टार एज, और एज ने भाई वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए टूर्नामेंट के अंदर पार्टिसिपेट भी किया था, पर भाई वो डिफीट हो गए एज स्टाइल्स से। पर कोई नहीं भाई, आज एज दोबारा से पार्टिसिपेट करने आ चुके हैं इस मैच के अंदर, और देखते हैं भाई क्या वो वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन बन पाएंगे या फिर नहीं, क्योंकि भाई एज ने रिटायर होने से पहले यही वाली चैंपियनशिप को वैकेट किया था। चलो भाई अब एज की भी एंट्रेंस को स्किप करते हैं, अब देखते हैं नेक्स्ट सुपरस्टार कौन आ रहे हैं। ओके भाई, तो अब आ रहे हैं द ग्रेट खली, और भाई खली तो यार हमारे इंडिया सुपरस्टार है ही, तो हम भाई आज इन्हें सपोर्ट करने वाले हैं, क्योंकि ये भी भाई वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन रहे हैं खली भी। चलो भाई अब देखते हैं परफॉर्म कैसा करते हैं खली मैच के अंदर। चलो भाई खली की भी इंटरेस्ट को स्किप करते हैं, और अब देखते हैं नेक्स्ट सुपरस्टार कौन आ रहे हैं। ओके भाई, तो अब आ रहे हैं द बिग रेड मशीन
केन और ब्रदर्स ऑफ डिस्ट्रक्शन भी है भाई इस मैच के अंदर. जैसे भाई एवोल्यूशन है ऐसी भाई ब्रदर्स ऑफ डिस्ट्रक्शन भी है मैच के अंदर. चलो भाई केन की भी एंट्रेंस को स्किप करते हैं और मैच को करते हैं स्टार्ट. तो भाई मैच स्टार्ट हो चुका है. केन और खली आमने सामने खड़े हैं और केन ने आते डीडीटी लगा दिया और रैंडी ऑर्टन की तरफ से जॉन सीना को आरके लग चुका है. एज को ट्रिपल एच ने पेडिग्री लगा दी है और यहाँ पे रैंडी ऑर्टन भाई कूदे जा रहे हैं आरकेओ के लिए आज. और बटिस्टा ने भाई केन को बटिस्टा बॉम्ब लगा दिया. अंडरटेकर खली को टॉम स्टोन लगा रहे हैं. जॉन सीना को ट्रिपल एच पेडिग्री लगाने की कोशिश कर रहे थे पर सीना ने उसे रिवर्स कर दिया और लगातार भाई बहुत ज्यादा फिनिशर्स इस मैच के अंदर हिट हो गए. और ये लो भाई रैंडी ऑर्टन को भी टॉम स्टोन लग चुका है. जितने फिनिशर्स भाई सबको दिए सबने यूज कर दिए कैच को छोड़ के. सब भाई सारे फिनिशर्स लगभग यूज कर चुके हैं. एक जॉन सीना आई है जिन्होंने एक फिनिशर रिवर्स करा और यूज भी नहीं करा था. लगभग उनके पास में तीन फिनिशर्स आ चुके हैं. ट्रिपल एच ने भाई सुप्लेक्स लगा दिया एज को. क्लोज लाइन भाई अंडरटेकर की तरफ से. सही है भाई जब तक एट के एट सुपरस्टार्स रहने भाई तीन एलिमिनेट हो गए भाई. केन कब में को एलिमिनेट हो गए. मैंने सब में फिनिशर्स रखते हुए देखा मैच के अंदर केन को छोड़कर और केन एलिमिनेट हो गए. और रैंडी ऑर्टन को मिलके सुप्लेक्स लगा दिया है अंडरटेकर और बटिस्टा ने. जॉन सीना ने एज को बाहर फेंका. बटिस्टा ने फिर जॉन सीना को बाहर फेंका और बाहर कवर करा रहे थे खली का ट्रिपल एच पर उन्होंने किकआउट कर दिया वन से पहले ही. सबने भाई मेन मेन जो अपने फिनिशर्स थे सबने यूज कर दिया और ट्रिपल एच अंडरटेकर पे तो एक भी फिनिशर नहीं रहा. तो भाई शुरू में ही सारे सुपरस्टार्स की हेल्थ बहुत ज्यादा कम हो गई है. आप देखोगे ट्रिपल एच और अंडरटेकर और बटिस्टा यही लोग हैं भाई तीन जिनकी मैच में बिल्कुल भी हेल्थी नहीं गई है. और बटिस्टा भाई बटिस्टा बॉम्ब लगाने जा रहा है सीना को. ये लो भाई सीना को बटिस्टा बॉम्ब भी लग चुका है और सीना के लिए आज भाई सब कुछ बुरा हो रहा है. एज को बिग बूट लगा दिया वहां पे अंडरटेकर ने और इनका यार सारे सुपरस्टार अलग खेल एक साथ एक ही जगह पे खेल रहे हैं. एक सिर्फ अंडरटेकर और एज दूसरे कोने पे खेल देते पर अब फाइनली दोनों आ रहे हैं और भाई ट्रिपल एच को मिलके मार रहे हैं बटिस्टा और खली. अभी तक भाई सिर्फ मैच में एक ही एलिमिनेशन हुआ है वो भी है द बिग रेड मशीन केन का. उसके बाद से भाई कोई भी एलिमिनेशन अब तक नहीं हुआ है. और बटिस्टा भाई बटिस्टा को ट्रिपल एच ने रिटायर किया था तो अब भाई पूरा बदला ले रहा है बटिस्टा ट्रिपल एच से और पूरी एवोल्यूशन भाई यहाँ खड़ी है. चल भाई रैंडी ऑर्टन तो चल दिया आराम से पर ट्रिपल एच जो बटिस्टा वो भाई अलग ही खेल रहा है. वो आज एक दूसरे को एलिमिनेट करना है ना कि वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप को जीतने के लिए. तो भाई इनका तो लड़ना बनता भी है. पहली बात बटिस्टा को रिटायर करा ट्रिपल एच ने. दूसरी बात यही दोनों भाई लॉन्गेस्ट रनिंग वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन है बटिस्टा है भाई वैसे पर सेकंड नंबर पर यही आता है और दो दिन का ये इनके रिकॉर्ड के अंदर अंतर. तो कोई लंबा चौड़ा भाई अंतर भी नहीं है फिलहाल. और रिंग के अंदर जॉन सीना और एज आपस में फाइट कर रहा सही है भाई. और रैंडी ऑर्टन स्टील स्टेप्स लेकर आ गए बटिस्टा को बचाने के लिए पर उसका कुछ फायदा हुआ नहीं. बटिस्टा छोड़ो भाई अब रैंडी ऑर्टन को कौन बचाएगा. टॉम स्टोन लगा दिया रैंडी ऑर्टन को. फिलहाल ट्रिपल एच कवर कर आ रहे हैं बटिस्टा का पता नहीं क्यों बिना फिनिशर के. वन टू ये क्या है भाई ये वन वन क्या हुआ था. ओके भाई बटिस्टा ने फिलहाल जॉन सीना को उठा लिया. सही है भाई सीना काफी ज्यादा वीक है. सीना को एलिमिनेट करना शायद मैच में सबसे ज्यादा आसान होने वाला सेकंड एलिमिनेशन सीना का ही होगा. और वहां पे भाई खली डोमिनेट कर रहे हैं एज को. यहाँ पे भाई अलग ही सीन चल रहा है. कभी कोई किसी को पीट रहा है या पिट रहा है पर एक चीज कॉमन है भाई बटिस्टा सबको मार रहा है भाई. वो लॉन्गेस्ट रनिंग वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन है और मैं बटिस्टा को पिटते हुए कम ही देख रहा हूँ. मिलके भाई जॉन सीना और ट्रिपल एच भी मारने की कोशिश तो कर रहे थे पर ट्रिपल एच को भाई बीच में घुसना है सबके. अंडरटेकर रैंडी ऑर्टन लड़ रहे हैं भाई ट्रिपल एच उनके बीच में भी आ गए और अब एज भाई ट्रिपल एच के पास में आ चुके हैं. चलो भाई ट्रिपल एच को फाइनली कोई कोई लड़ने को मिला और अंडरटेकर का करा रहे हैं वन टू किक आउट कर दिया है फिलहाल द वाइपर रैंडी ऑर्टन ने. और जॉन सीना एटीट्यूड एडजस्टमेंट लगाने जा रहे हैं बटिस्टा को. ये लो भाई एटीट्यूड एडजस्टमेंट टू बटिस्टा. क्या लगता है भाई लॉन्गेस्ट रनिंग वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन क्या आज एलिमिनेट हो जाएंगे. भाई अभी तो नहीं हुआ देखते हैं आगे होते हैं नहीं. और रैंडी ऑर्टन लो ब्लो यूज कर दिया ट्रिपल एच पे और जॉन सीना ने भाई एटीट्यूड एडजस्टमेंट लगा दिया अंडरटेकर को. टू किक आउट कर दिया अंडरटेकर ने. अब सिर्फ एक फिनिशर बचा सीना पे और वो लगा दिया बटिस्टा को. और अब भाई बटिस्टा एलिमिनेट हो सकता है कर रहा है. वन टू किक आउट कर दिया बटिस्टा ने पर बटिस्टा ने भाई अपनी रेजिलेंसी यूज कर ली है. और भाई एज की तरफ से स्पीयर और इसी के साथ एलिमिनेट हो चुके हैं द गेम
ट्रिपल एच मैच के अंदर भाई अब सिर्फ और सिर्फ 5 बंदे बचे हैं। द ग्रेट खली भी भाई एलिमिनेट हो गए। खली भाई दिखे ही नहीं मैच में, ज्यादा अलग ही लड़ रहे थे और क्लोज आई लगा दिया फिलहाल एज को अंडरटेकर ने। अब भाई सारे सुपरस्टार्स हमें यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, सारे सुपरस्टार ना अलग अलग कॉर्नर्स पे थे, अब एक साथ दिख रहे हैं और एज की तरफ से एग्जीक्यूशन और कवर करा रहे हैं 1 2 3 और इसी के साथ मिस्टर हसल और रिस्पेक्ट जॉन सीना एलिमिनेट हो चुके हैं और एवोल्यूशन के 2 बंदे एज। ओके भाई तो फिलहाल एवोल्यूशन के 2 बंदे बचे थे पर उसमें से एक को एलिमिनेट कर दिया है एज ने। बटिस्टा भाई मैच के अंदर से एलिमिनेट हो चुके हैं। ओके भाई एज को क्लोज लाइन पीछे से लगा दिया रैंडी ऑर्टन ने, सही है भाई, और अब आगे से भी क्लोज लाइन लगा दिया और एंड के भाई हमारे पास में टोटल 3 बंदे आ चुके हैं जो कि हैं एज, रैंडी ऑर्टन एंड अंडरटेकर। भाई रैंडी ऑर्टन और एज अभी भी लड़ रहे हैं फिलहाल और अंडरटेकर ही इकलौते भाई लेजेंड है जो भी रिटायर हो गए हैं। देखते हैं क्या होता है इन लोगों का। और ये लो भाई टोमस्टोन लगा दिया उन्होंने रैंडी ऑर्टन को, कवर करा रहे हैं 1 2 की काउंट कर दिया भाई रैंडी ऑर्टन ने रेजिलेंसी यूज करके। ओके भाई तो फिलहाल एज ने रिवर्स कर दिया है। ओके एज भाई एज ने रिवर्स करा और अंडरटेकर ने भी रिवर्स कर अब एज को उठा लिया। चलो भाई ओके भाई तो अंडरटेकर इनके बाहर फेंक चुके हैं एज को और रैंडी ऑर्टन की तरफ से आरकेओ आ चुका है 1 2 की काउंट कर दिया भाई अंडरटेकर ने फिलहाल और इन तीनों में से भाई अभी तक कोई एलिमिनेट नहीं हुआ है। ओके भाई एज ने स्टील स्टेप्स को उठा लिया है और भाई एज अपने स्टील स्टेप्स को लेकर आ रहे हैं। लो भाई अंडरटेकर को भाई अलग डोमिनेट कर रहा है रैंडी ऑर्टन, किसी के पास में भी फिनिशर नहीं है एज को छोड़कर और एज भाई फिनिशर पता नहीं हिट क्यों नहीं कर रहे हैं। एज भाई स्पीयर लगाओ, हो सकता है रैंडी ऑर्टन ने अंडरटेकर में से किसी को एलिमिनेट कर दो। ओके भाई एज स्पीयर लगा रहे रैंडी ऑर्टन को, अगर अंडरटेकर बीच में नहीं आए तो भाई शायद रैंडी ऑर्टन एलिमिनेट हो जाएंगे और ये लो भाई रैंडी ऑर्टन एलिमिनेट हो चुके हैं। आप द रेड रा सुपरस्टार एज एंड द डेड मैन अंडरटेकर। अंडरटेकर के नाम भाई एक और चैंपियनशिप हो जाएगी क्या WWE की, या फिर एज फिर से अपनी वर्ल्ड हैवी चैंपियनशिप जीतेंगे। 1 पे की काउंट कर दिया एज ने, मुझे लग रहा भाई ये जितनी जल्दी हारने वाले हैं उन्हें फिर से वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप चाहिए। ओके भाई अंडरटेकर नीचे जा चुके हैं और अंडरटेकर स्टील स्टेप्स लेके आ रहे हैं और एज भी कुछ निकाल रहे हैं। ओके भाई शवल निकाल लिया और बिग बूट अंडरटेकर की तरफ से पंचेस लगाने शुरू कर दिया फेस पे, सही है भाई। जब टोमस्टोन पड़ेगा तो किकआउट करने के चांसेस और कम हो जाएंगे और एज आप चेस्ट वीक करो, बिल्कुल ठीक मारा भाई अभी एज ने, चॉप्स बहुत सही मारे, कवर करा रहे हैं 1 कि काउट कर दिया अंडरटेकर ने, 1 पे कि काउट कर रहे हैं दोनों सुपरस्टार्स इतना ज्यादा वीक होने के बावजूद भी। शायद दोनों सुपरस्टार भाई बस एक एक फिनिशर और झेल सकते हैं उसके बाद में भाई एलिमिनेट हो जाएंगे, या तो नॉकआउट से या फिर पिनफॉल से, बहुत ज्यादा चांसेस हैं। और एज के पास में फिनिशर भी है, सिग्नेचर भी है, अंडरटेकर के पास में सिग्नेचर है और फिनिशर अंडरटेकर का आने वाला है, पर पता नहीं यार एज यूज क्यों नहीं कर रहे, एज को भाई मैच में हारना है शायद। ओके भाई एज को चॉक स्लैम लगा दिया अंडरटेकर ने, कवर करा रहे हैं 1 2 रेजिलेंसी के साथ एज ने किकआउट कर दिया, मतलब अब भाई वो किकआउट नहीं कर पाएंगे। अंडरटेकर के पास बेस्ट मोमेंट है जीतने का, अंडरटेकर के पास में फिनिशर है, उसे हिट करेंगे तो भाई अब तो एज एलिमिनेट हो ही जाएंगे क्योंकि रेजिलेंसी नहीं है भाई एज के पास। ओके भाई अंडरटेकर टोमस्टोन लगाने जा रहे हैं, ये लो भाई टोमस्टोन लगा रहे हैं अंडरटेकर, ये लो अंडरटेकर अब जल्दी से कवर करा दो, कवर करा रहे हैं 1 2 3 और इसी के साथ इस मैच के अंदर विक्ट्री हो चुकी है द डेड मैन अंडरटेकर की और वो बन गया न्यू वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन। अगर आपको वीडियो में जरा मजा आया तो वीडियो को लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मैं जल्दी मिलूंगा आपसे एक नई वीडियो लेके, तब तक के लिए टेक केयर।
All right.